साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे हिपोलिन। साथियों HEPOLYNE हिपोलिन एक सिरप है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, 100% सेफ है साथियों, और इसमें जो है टोटली हर्बल मेडिसन्स मिली हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे हिपोलिन सिरप है क्या, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट एंड यूजेस की बात करेंगे साथियों, इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, डोजेस की इम्पॉर्टेंट बात करेंगे साथियों, प्रिकॉशन की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, MRP की बात करेंगे साथियों। जो हमारे पास 200 ml का हिपोलिन सिरप है साथियों, ये हिपोलिन सिरप इज ए इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसन है फॉर ऑल द लीवर डिसऑर्डर्स। किसी तरह की लीवर का विकार है उसमें उपयोग करने वाली ये हर्बल औषधि है, 100% सेफ है। हिपोलिन सिरप रिविटलाइज द लीवर प्रोटेक्ट एंड लॉस ऑफ फंक्शन इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है कि ये लीवर को जो है रिविटलाइज करता है, साथ ही साथ क्या है लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और लीवर के किसी तरह के फंक्शन जो है बंद हो गए हैं तो उसको इंटीग्रेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उस लीवर के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको एक्टिव करता है, और इंश्योर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ द हेपेटोसाइट इन वेरियस हेपेटिक डिसऑर्डर्स। किसी तरह का हेपेटिक डिसऑर्डर्स है उसको ठीक करके और लीवर के जो है रीफंक्शन को जनरेट करता है, और लीवर को जो है क्या होता है कि फिट रखता है। कहने का मतलब यह है कि ये कि जो है लीवर टॉनिक है और लीवर को जो है एकदम फिट रखती है साथियों। हिपोलिन सिरप इज प्योरली ए हर्बल फार्मुलेशन साथियों, हर्बल फार्मुलेशन है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है उसको आगे चल के हम अभी आपको बताएंगे साथियों। हर्बल फार्मुलेशन है विद नो साइड इफेक्ट, और इसको इस्तेमाल से किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। हिपोलिन सिरप इज ए हाईली इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसन है, यूज इन वेरियस टाइप ऑफ लीवर डिसऑर्डर्स, जैसा कि अभी बताया था, जैसे कि एल्कोहलिक लीवर डिसऑर्डर्स है जो बहुत शराब पीते हैं और उनको लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होता रहता है, पेट में भूख नहीं लगती है, डाइजेशन खराब होता है, उल्टी हो जाती है, ऐसे केस में क्या है कि हिपोलिन सिरप का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आराम मिलेगा। साथियों इनलार्ज फैटी लीवर हो जाता है, और लीवर जो है बड़ा हो जाता है, फैटी हो जाता है, फैट कोलेस्ट्रॉल सेलुलाइट जमा हो जाता है आजकल का जंक फूड खा के, उससे क्या होता है लीवर जो है फैटी हो जाता है, जैसे बर्गर पिज्ज़ा हॉट डॉग और जो है क्या कहते हैं कि आजकल वेज रोल अंडा रोल ये सब चला है, ये फैटी चीज़ें हैं, इनको खाने के बाद क्या होता है फैटी लीवर हो जाता है। ऐसे केस में क्या है सिरप का इस्तेमाल करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है, फैट कोलेस्ट्रॉल जम जाता है लीवर पे, शरीर में कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, पेट साफ नहीं होता है, ऐसे केस में इस सिरप को लेंगे और लीवर के सारे विकार को दूर करके उसको रीफंक्शन करेगा। साथ ही साथ किसी तरह का स्किन का विकार है, स्किन में डिजीज है उसमें भी लाभदायक है, एंड डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू किसी तरह का है उसमें बहुत ही ये फायदेमंद है। कहने का मतलब है इट स्टिमुलेट द एपिटाइट, और ये क्या करता है भूख को भी बढ़ाता है, जिनको भूख नहीं लगती है छोटे बच्चों को भी नहीं लगती है, अगर आप हिपोलिन सिरप देंगे उसको श्योर है उनकी जो है बहुत भूख लगेगी और एकदम फिट रहेंगे और पढ़ाई लिखाई में बहुत उनका मन लगेगा। एंड रिस्टोर लीवर फंक्शन, और लीवर की किसी तरह का दिक्कत है उसको रिस्टोर करता है, एंड स्पीड अप द रिकवरी ऑफ हेपेटिक सेल्स, और जो लीवर के अंदर हेपेटिक सेल्स हैं किसी तरह से डेड हैं उसको मतलब रीजनरेट करता है और उनकी स्पीड अप करता है कि जल्दी ठीक होते हैं और सारे फंक्शन नॉर्मल हो जाते हैं। साथियों बहुत कुछ इसके बारे में बताने वाला है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा ट्रस्टेड जो है ये सिरप है हिपोलिन, मैंने बहुत से मरीजों पे आजमाया है जो एकदम ठीक हो गए हैं। कहने का मतलब ट्यूबरकुलोसिस थी, टीबी थी, MDR-TB थी, और उनको क्या हुआ कि जो अदर मेडिसिन से वो चल रही हैं साथ में जो है हिपोलिन सिरप हमने दिया, उसमें क्या होता है कि तुरंत उनको आराम मिल गया, तुरंत उनको राहत मिली कि भूख लगने लगी, खाना खाने लगी, जो कहते थे भूख नहीं लगती है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिनको हो जाता है जब दवा चलती है जब तक उसका कीटाणु नहीं मरता है मरीज बेचैन रहता है और उसको क्या होता है भूख नहीं लगती, ऐसे केस में अगर हिपोलिन सिरप दे दिया जाए तो बहुत आराम मिलता है। तो कहने का मतलब है बहुत कुछ बताने के लिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा। संक्षिप्त में एक बार यूजेस की बात करेंगे साथियों, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया है एल्कोहलिक लीवर डिजीज है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, इनलार्ज एंड फैटी लीवर है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर शरीर में हो गया, लीवर में हो गया, कहीं भी हो गया उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिनको रोगियों को कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, स्किन डिजीज है किसी तरह की, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है हमेशा, डाइजेस्टिव रिलेटेड इशूज़ रहते हैं हमेशा,
क्रॉनिक एल्कोहलिज्म है, जो बहुत शराब पीते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको भूख नहीं लगती है, छोटे बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं उनको भूख नहीं लगती है, ऐसे केस में इस लीवर को देंगे आपको तुरंत आराम मिलेगा। एंड प्रिवेंट फैटी इनफिल्ट्रेशन ऑफ द लीवर, और जो है क्या होता है फैटी होता है उसको भी आराम देता है, उसके जो सेल्स होते हैं हेपेटिक सेल्स होते हैं उनको जो है चुस्त दुरुस्त करता है और नॉर्मल फंक्शन में ये बदल जाता है। साथियों भूख अगर नहीं लग रही है, एकाग्रता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे केस में अगर हिपोलिन सिरप लेंगे तुरंत ही आप ठीक हो जाएंगे। साथियों इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, साथियों जब भी परचेज करेंगे यहाँ पे आपको लिखा है कंपोजिशन ईच 15 ml कंटेंट, 15 ml कंटेंट, इसमें कासनी मिला है 90 mg, साथ ही साथ है कबरा मिला है, एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होता है 90 mg, मकोई मिली है 45 mg, साथ ही साथ एक झाबुक मिला है 45 mg, एंड काल मेघ 30 mg मिला है साथियों, एंड रोहितिका 30 mg मिला है, पुनारनावा मिला है, एंड सीरप बेस मिला है। ये इसका बहुत ही पावरफुल एंड हर्बल सेफ जो है इंग्रेडिएंट है। साथियों डोजेस की बात करेंगे, साथियों देखिए जब भी परचेज करेंगे इसमें लिखा भी है डोजेस, तो इसमें लिखा है साथियों कि 1 to 2 tablespoonful ट्वाइस ए डे एडल्ट पर्सन के लिए है 1 या 2 चम्मच, कहने का मतलब है 5 से 10 ml, अगर आप 10 ml 1 कप पानी में, हाफ कप पानी में इसको एड करके फ्रेश वाटर के साथ लेंगे ये बहुत ही फायदा करेगा। खाने से पहले भी ले सकते हैं साथियों और खाने के बाद भी ले सकते हैं। बहुत से रोगियों को क्या होता है शिकायत करते हैं कि साहब धकार आती रहती है, तो इसलिए इसको खाने के बाद जो है 1 or 2 tablespoonful घर में जो चम्मच होता है उसको 1 चम्मच या 2 चम्मच इसको जो है लेने के बाद फ्रेश वाटर पी लीजिए, और जो है या फिर एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन जैसा बताता है, तो ये जो है बहुत ही आराम पहुँचाएगा। साथियों बच्चों में बात करेंगे 1 चम्मच या 5 ml, मतलब कहने का मतलब है 1 spoon 5 ml लेंगे दिन में 3 बार या 2 बार, मतलब ट्राइस ए डे और ट्वाइस ए डे जो है बच्चों में भी लेंगे। साथियों 200 ml का सिरप है जो इसका अवेलेबलिटी है। प्रिकॉशन की बात करेंगे इसमें साथियों किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चों की पहुंच से आप देखिए कीप आउट चिल्ड्रन फ्रॉम अवे, कहने का मतलब बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, कहीं मेडिसिन है ज़्यादा ना पी लें, साथ ही साथ क्या है स्टोर इन ए कूल एंड रूम टेम्परेचर, और साथियों वेन्यू परचेज प्लीज चेक द लेबल एंड एक्सपायरी, और देखें कंटेनर आपका इसका सील्ड है कि नहीं है। साथियों जब भी है साइड इफेक्ट किसी तरह का नहीं है, नो साइड इफेक्ट है। साथियों जो इसकी MRP है वो 210 रुपये है। साथियों एक चीज़ और बताऊँगा, ये जो है हिपोलिन सीरप जो है ऋषि फार्मेसी का है, ऋषि फार्मेसी एक जो है सरावागी टोला महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर की ये दवा है। साथियों बहुत ही हर्बल है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल है। इन केस आपको मिलने में असुविधा है, आप इसको लेना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करेंगे और उसमें जो है हम आपको जो है तुरंत बता देंगे ये कहाँ पर मिलेगी। साथियों इसका किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, और आप जब भी हिपोलिन सिरप लें इससे मिलते जुलते नाम की और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन आप बोलिए कि ऋषि फार्मेसी का हमको हिपोलिन सिरप चाहिए। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी आप हमें जरूर कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।